पिस्ता शाही मेवा चाट बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे आधी कटोरी अखरोट, आधी कटोरी बादाम, आधी कटोरी किशमिश, आधी कटोरी मखाने, 100 ग्राम पनीर, आधी कटोरी मटर के दाने, आधी कटोरी काजू, स्वाद अनुसार चाट मसाला और गार्निश करने के लिए आलू भुजिया। रिफाइंड ऑयल और घी का यूज हम लोग जरूरत के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई पे हम डालेंगे देसी घी। घी पहले थोड़ी देर के लिए हम गर्म होने देंगे। घी गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे बादाम, काजू और इन्हें 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। हमारा ड्राई फ्रूट पक रहा है सिम आंच पर। दूसरे पैन में हम लोग देसी रिफाइंड ऑयल डालेंगे और पनीर को फ्राई करेंगे। पहले रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा। अब हम ड्राई फ्रूट्स को अपने टिश्यू पेपर पर निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो हमारा सूख जाए। हम अखरोट डालेंगे। साथ में डालेंगे किशमिश। दूसरे पैन में हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो गया और अब इसमें हम पनीर को फ्राई करेंगे। पनीर को हम हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। इधर हमारे किशमिश और अखरोट फ्राई हो चुके हैं। देसी घी की कढ़ाई में हम मखानों को फ्राई करेंगे। सिम आंच पर 1 मिनट के लिए ताकि मखाने हमारे बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएं। हमारे मखाने हो चुके हैं क्रिस्पी। अब हम इन मखानों को भी टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। इधर हमारे पनीर भी हो चुके हैं लाइट ब्राउन और इन्हें भी हम निकाल लेंगे। पनीर हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे मटर फ्राई होने के लिए। ये हमारे मटर के दाने हो चुके हैं। अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे बाहर। ये हमारा शाही मेवा चाट का फ्रूट पनीर और मटर तल के तैयार है और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। अब हम अपने तले हुए सभी मेवों को एक बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चाट मसाला स्वाद अनुसार। व्हाइट सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट।
लेमन जूस अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम काली मिर्च, गार्निश करेंगे आलू भुजिया से। तो रेडी है हमारा शाही मेवा चाट विद मैंगो शेक। ये शाही मेवा चाट हमें बहुत एनर्जी देता है, प्रोटीन देता है, हमें ये ज़रूर खाना चाहिए। आई होप आपको ये शाही मेवा चाट विद मैंगो शेक पसंद आया होगा। थैंक यू।